ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, ऊर्ध्वपातन का परिभाषा क्या है और किस किस पदार्थ में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है, तो चलिए अब हम एक एक करके इन सभी को समझते हैं। तो देखिए, ऊर्ध्वपातन को समझने से पहले ना हमें यह समझना होगा कि किसी भी पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं या फिर ठंडा करते हैं तो उसके अवस्था में किस तरह से परिवर्तन होता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं कुछ लिखा हूँ, यहाँ पर मैं लिखा हूँ ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ के मुख्य रूप से जो भौतिक अवस्था होती है वो इस तरह से तीन ही होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक, इसके बाद और भी कुछ अवस्थाएं होती है लेकिन जो मुख्य रूप से अवस्था होती है वह क्या है, वह है ठोस, द्रव और गैस। तो देखिए क्या है कि जब हम किसी भी ठोस को गर्म करते हैं ना, पहले हम गर्म करने पर समझ लेते हैं, उसके बाद हम ठंडा करने पर समझेंगे। तो देखिए, किसी भी जब हम ठोस को गर्म करते हैं तो ठोस का यह गुण होता है कि वह पहले द्रव में बदलता है, फिर द्रव से वह गैस में बदलता है। क्या होता है, तो किसी भी पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो अधिकांश पदार्थ का यह गुण है कि वह ठोस से पहले द्रव में बदलेगा, फिर द्रव से गैस में बदलेगा। ठीक, इसके उल्टा भी होता है, जब हम किसी गैस पदार्थ को ठंडा करेंगे तो वह पहले गैस से द्रव में बदलेगा, फिर द्रव से ठोस में बदलेगा। इस तरह से पदार्थ के अवस्था परिवर्तन का गुण होता रहता है गर्म या ठंडा करने पर। अब आप यह समझ गए ना, अब आप ऊर्ध्वपातन को बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखिए, इसका परिभाषा यह है कि कुछ पदार्थ गर्म करने पर क्या, तो कुछ पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव में बदले क्या, तो कुछ पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस बन जाते हैं, तो पदार्थ के इसी गुण को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या, तो देखिए कुछ पदार्थ ऐसे हैं ना जिसे हम गर्म करेंगे ना तो वह सीधा ठोस से गैस में बदल जाएगा, बीच वाला जो द्रव है ना इसमें नहीं बदलेगा, वह क्या हो जाएगा, तो उसे गर्म करने पर सीधा ठोस से गैस में बदल जाएगा। तो जो पदार्थ गर्म करने पर सीधा ठोस से गैस में बदल जाते हैं उसी पदार्थ को ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं, और पदार्थ के इस गुण को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब आपसे कोई भी पूछेगा कि बताइए ऊर्ध्वपातन क्या है, तो आप क्या कहेंगे, उसे आप आसान भाषा में इस तरह से समझा सकते हैं कि जिस पदार्थ को गर्म करने पर वह सीधा ठोस से गैस में बदल जाता है उस पदार्थ को ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं, और ठोस से गैस में बदलने वाले गुण को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। अब देखिए, इसमें कौन कौन सा पदार्थ आता है, तो इसमें आता है नौसादर, आयोडीन, कपूर। कपूर तो आप सभी लोग देखे ही होंगे, कपूर को जलाए भी होंगे, तो कपूर जलाने पर क्या होता है, कपूर ठोस अवस्था में रहता है और जब हम उसे जलाते हैं तो वह सीधा गैस में बदल जाता है, वह द्रव में नहीं बदलता है।